तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो फाइनली भाई वॉरजोन आज भाई सबको डाउनलोड के लिए मिल चुका है। आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो भाई मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन अब जो मेरे न्यू स्टेट वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए रिलेटेड वॉरजोन कि भाई उनके डिवाइस में वॉरजोन वगैरह नहीं चल रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई क्या हमें वॉरजोन के ऊपर भी कंटेंट बनाना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डिवाइस है, लेकिन हमारे जो इतने 8-8 GB, 10-10 GB, 12-12 GB रैम वाले डिवाइस है, लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर जो है गेम भाई दिखाई नहीं रहा है, मतलब डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। वॉरजोन चलाने के लिए रैम भाई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैं एक चीज़ बताऊं कि रैम अगर वॉरजोन अगर यूज़ करता है, जब गेम चलता है तो वॉरजोन मोबाइल सिर्फ रैम यूज़ करता है 2 GB। आपके फ़ोन में अगर 4 GB भी रैम है तो भी भाई ईजिली वॉरजोन मोबाइल चल सकता है। लेकिन भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फ़ोन में GPU कौन सा है और आपके फ़ोन में जो है प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम है लेकिन आपका GPU और प्रोसेसर जो है वही लो एंड है, तो भाई ये गेम जो है नहीं चलने वाला है आपके डिवाइस में। तो भाई अगर आप ट्राई कर रहे हो डाउनलोड करने की यहाँ वहाँ से, तो अभी मत करना। फ्यूचर में कोई चीज़ आएगी इससे रिगार्डिंगली तो मैं वीडियो बना के तुमको ज़रूर बता दूंगा कि लो एंड डिवाइस में तुम किस तरह से जो है वॉरजोन मोबाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए तुम्हें GPU वगैरह कितना चाहिए। तो अगर तुम्हारा GPU भाई 600 प्लस है तो ही भाई ये गेम जो है तुम्हारे फ़ोन के अंदर चलेगा, और तुम्हें भाई ये अनसपोर्टेड वाला जो ऑप्शन है ये भाई नहीं दिखाई देगा, गेम इजीली चल जाएगा। लेकिन भाई ग्राफिक वगैरह में तुम्हें वही पिक्सलेट और ब्लर वगैरह चीज़ें जो हैं वो दिखने वाली हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 600 प्लस में भी भाई बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनके अंदर भाई ये नहीं चलेगा। उनका GPU अच्छा हो सकता है तो मे बी शायद प्रोसेसर वगैरह ना जो है लोड ले सके। तो भाई अगर तुम्हारे में GPU अनसपोर्टेड बता रहा है तो भाई टेंशन मत लो, थोड़े टाइम बाद में भी शायद वॉरजोन वाले चीज को जो है तुम्हारे फोन के लिए ऑप्टिमाइज कर दे। तो बात कर लेते हैं भाई जिनके फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है कि हमारे ब्लरी ग्राफिक आ रहे हैं, हमारे ग्राफिक अच्छे नहीं आ रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई अभी स्टार्टिंग में गेम नया है तो भाई इसमें टाइम लगेगा, और वैसे ही भी मैंने तुम्हें बोला था कि ये गेम जो है अभी लो एंड डिवाइस के लिए नहीं है। इन्होंने जैसे जैसे करके भाई ग्लोबल लॉन्च तो पुश कर दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप गेम को खेलते हो तो ना आपको इसके अंदर मैप डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसीलिए भाई आपको स्टार्टिंग में जो है ब्लरी ग्राफिक देखने को मिलेंगे। अगर आप गेम खेलते हो तो थोड़ा बहुत आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप लोग गेम खेलते हो वैसे वैसे फाइलें रेंडर होकर आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड होती हैं, लेकिन ये भाई इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। मेन इफेक्टिव चीज़ ये है कि अगर ये लोग अलग से मैप वगैरह जो गेम के अंदर होते हैं उनको डाउनलोड का आपको ऑप्शन दे, और अगर वो मैप डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल गया तो भाई आपका जो गेम है वो भाई कम से कम नहीं भी तो मान के चलो 20 GB प्लस जाने वाला है। तो वॉरजोन मोबाइल जो PC में है वो 76+ GB का गेम है। तो फ़ोन के अंदर इस चीज़ को पोर्ट करके आपको उन्होंने, अब लगा लो 76 GB का उन्होंने कितना इसको पोर्ट किया हो। तो इसी रीज़न की वजह से जो है तुम्हें भाई वॉरजोन मोबाइल के अंदर मैप वगैरह डाउनलोड करने के लिए अभी नहीं मिला है। जो भी अभी तुम ग्राफिक वगैरह देख रहे हो, जो भी तुम चीज़ें देख रहे हो, तो वो भाई सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है और तुम्हारे फ़ोन के साथ भी कनेक्टेड है। तो फ़ोन के अंदर तुम्हारी कुछ ग्राफिक फाइलें हैं, पूरी ग्राफिक फाइलें नहीं है, बाकी जो तुम सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो उसके बाद ही जो है बाकी फाइलें रेंडर वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ शायद किसी को पता नहीं है, मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ कि भाई इसकी जो इसके जो मैप का सीन है वो मुझे लगता है 50-50 है। जैसे बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है जैसे आईपैड हो गया, उनके अंदर इसलिए रेंडर हो जाता है क्योंकि उनका प्रोसेसर बहुत ज़बरदस्त है, और अगर उनके अंदर वो आप गेम खेलोगे तो ऑब्वियसली बात है यार आपका सर्वर के साथ कनेक्शन भी अच्छा होगा, और सर्वर जो आपको फाइलें वगैरह देगा वो भाई आपकी इजिली रेंडर भी हो जाएंगी। और लो एंड डिवाइस के अंदर ये प्रॉब्लम है कि या तो वो रेंडर करेगा या आपको वो सर्वर के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करा के रखेगा, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि सर्वर के साथ आपका कनेक्शन वगैरह एरर हो रहा है और आपका जो डिवाइस है वो हीट वगैरह भी हो रहा है। लेकिन मैं पर्सनली एक बात बोलना चाहता हूँ, एज ए यूट्यूबर मैं भी यही चाहूँगा कि जो गेम जिस तरह से मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी उस तरह उस गेम को इंजॉय करें। इसीलिए मैं थोड़ा सा वॉरजोन के फेवर में इसीलिए नहीं हूँ, क्योंकि भाई जिनके पास हाई एंड डिवाइस है, मान लो मैं हाई एंड डिवाइस में खेल रहा हूँ लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके पास लो एंड डिवाइस है, वो तो सिर्फ देखते रहेंगे। ये तो फिर वैसा ही हो रहा है जैसे हम बचपन में सोचते थे काश ये साइकिल हमारी होती, काश ये बाइक हमारी होती, काश ये कार हमारी होती। तो इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेकर कि वॉरजोन ने ज़्यादा फोकस किया है उनके ऊपर इनके पास भाई हाई एंड डिवाइस है, और मे भी शायद इसकी कोई वजह भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि गेम साइज भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है अगर आप सब कुछ भी डाउनलोड कर लोगे, मैप वगैरह जितने भी मैप वगैरह है, क्योंकि भाई ये सारे मैप जो हैं वो PC से पोर्ट किए हुए हैं। तो इसी रीज़न की वजह से तुम्हें वॉरजोन इतना बेकार अभी चलने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में मे भी शायद ये इस चीज़ को फिक्स कर दे, लेकिन मुझे इसके कम चांसेस लगते हैं क्योंकि भाई फ्यूचर में ये जो है कनेक्शन जो है स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लरी ग्राफिक वाला जो सीन है वो थोड़ा बहुत रहेगा ही गेम के अंदर। तो मैंने वॉरजोन खेला तो मैं यहाँ पे तुम्हें दो गेम प्ले वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये एंड्रॉयड का गेम प्ले और iOS का गेम प्ले भी तुम देख सकते हो कि किस तरह भाई दोनों के अंदर ये जो गेम है अभी चल रहा है फिलहाल के लिए।
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Be advised, gas is closing here. Proceed to the safe zone. Copy, contract. Sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. तो भाई अगर तुम्हारे फ़ोन में ये गेम वगैरह नहीं चल रहा है तो भाई टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके जैसे इसमें अपडेट आएंगे ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, इसके अलावा तुम कोई और गेम खेल सकते हो। क्योंकि भाई अपने फ़ोन के ऊपर फालतू में स्ट्रेस देना भाई सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस फ़ोन है और तुम उसके अंदर स्ट्रेस दे रहे हो बार बार, तो इस रीज़न की वजह से तुम्हारा फ़ोन भी भाई ख़राब हो सकता है। तो ना फिर तुम वॉर जोन के रहोगे, ना तुम कोई और गेम खेल सकते हो। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए वेट करो, फ्यूचर में जैसी कुछ अपडेट आएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंगली मैं तुम्हें बता दूँगा। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी से एकदम पीक ग्राफिक मिल जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सर्वर का लिंक है ग्राफिक से, ग्राफिक का लिंक है मैप से, और मैप का लिंक है आप तुम्हारा कनेक्शन से। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, क्योंकि इन्होंने पूरा गेम अभी तुम्हें नहीं दिया है। अगर पूरा गेम तुम्हें दे देंगे तो तुम्हारी कीमती फोटोएं वगैरह होंगी तुम्हारे फ़ोन में, तुम्हें वो भी डिलीट करनी पड़ जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो तुमको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।